maths class. As you all know that in our previous session we have done revision of our chapter number 5, multiplication and division. That was our pen paper chapter, and today we are going to do revision of our next pen paper chapter, chapter number 3, number system. आज हम अपने नेक्स्ट पेन पेपर चैप्टर को रिकैप करेंगे नंबर सिस्टम. ओके, सो ओपन योर मैथ्स बुक चैप्टर नंबर 3. हमने जो भी टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, हम उन्हें एक शॉर्ट रिकॉल करेंगे कि हम उन्हें कैसे कर रहे थे. सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इंडियन नंबर सिस्टम. किसी भी दिए हुए नंबर को आप इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लिखें और करेक्ट प्लेस पे कॉमा को पुट करें और उसका करेक्ट नंबर नेम लिखें. जब भी आपसे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, आप इंडियन नंबर सिस्टम का यूज करेंगे, और जब भी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का यूज करेंगे. ओके, सो इन इंडियन नंबर सिस्टम 3 मेन कॉलम होते हैं. हमने पढ़ा था वंस का कॉलम, देन थाउजेंड का कॉलम, देन लैख का कॉलम. ओके, वंस के कॉलम में 3 सब कॉलम होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड. थाउजेंड के कॉलम में 2 सब कॉलम होते हैं, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, और लैख के कॉलम में 2 सब कॉलम होते हैं, लैख, टेन लैख. हम कॉमा को कहाँ पे पुट करते हैं? पीरियड्स को सेपरेट करने के लिए. ओके, वंस के पीरियड के बाद, देन थाउजेंड के पीरियड के बाद. तो जहाँ पे करेक्ट प्लेस पे कॉमा को पुट करना है आप उसी के अकॉर्डिंग करेंगे. ये इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग है. आप दिए हुए नंबर नेम से फिगर फॉर्म से नंबर नेम फॉर्म राइट कर लेंगे. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी हमने 3 मेन कॉलम्स पढ़े थे, वंस का कॉलम, थाउजेंड का कॉलम, एंड देन मिलियन का कॉलम. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन. हम कॉमा को कहाँ पुट करते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद, देन थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड के बाद. ओके, सो इन दोनों में ही नंबर सिस्टम में कॉमा का डिफरेंस है. आप देखेंगे केयरफुली कि इन दोनों में डिफरेंट प्लेसेस पे आप कॉमा को पुट कर रहे हैं. क्लियर? तो हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज इन्हीं नंबर सिस्टम पे बेस्ड सॉल्व की थी. दिए हुए फिगर फॉर्म से आपने नंबर नेम लिखा था, नंबर नेम फॉर्म से आपने फिगर फॉर्म लिखा था, और फिर से न्यूमरल्स को रीराइट करके करेक्ट प्लेस पे कॉमा को पुट किया था. सो आप उन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था व्हाट इज फेस वैल्यू. फेस वैल्यू क्या होती है? द डिजिट ऑफ द वैल्यू इटसेल्फ, जो उसकी वैल्यू होती है, जो डिजिट होता है वो अपनी फेस वैल्यू खुद होता है. द फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, द फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9. ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़, एंड सो ऑन. तो जब भी आपसे प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी आप प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करके उसे केयरफुली फाइंड आउट करेंगे. जीरो की प्लेस वैल्यू ऑलवेज जीरो होती है, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो, ये हमने पढ़ा था. और जब भी आपसे किसी एक डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी जिसे अंडरलाइन किया जाएगा, तो आप पर्टिकुलर उसी डिजिट की प्लेस वैल्यू को बताएंगे. नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं? हम हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को लिखते हैं और एडिशन का साइन लगा के उसको एक साथ लिख देते हैं. क्लियर? प्लेस वैल्यू को लिखने के बाद उनके बीच में हम एडिशन के साइन को पुट करते हैं. ये एक्सपेंडेड फॉर्म होता है. और शॉर्ट फॉर्म में आप एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. ये दोनों इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. शॉर्ट फॉर्म लिखते समय आपको जो प्लेस मिसिंग रहता है उस प्लेस पे आप जीरो ऑलवेज लिखते हैं. नेक्स्ट इज सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर. व्हाट इज सक्सेसर? हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? किसी भी नंबर के नंबर कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर, एंड द नंबर कम जस्ट बिफोर द गिवन नंबर इट्स कॉल्ड इट्स प्रीडिसेसर. सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए हम दिए हुए नंबर में 1 को ऐड करते हैं वंस के प्लेस पे. उसी तरीके से प्रीडिसेसर फाइंड आउट करने के लिए आप 1 का सब्ट्रैक्शन करते हैं वंस के प्लेस से. ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5000 का सक्सेसर क्या होगा, आप 5000 में 1 को ऐड कर देंगे. 5001 इज द सक्सेसर ऑफ 5000, एंड व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ 5000? द प्रीडिसेसर ऑफ 5000 इज 4999. ओके, इसी तरीके से हम इसे फाइंड आउट करते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, काउंटिंग बाय टेंस
और जो नंबर गिवन था उन नंबर्स के बीच के नंबर्स को आपको फाइंड आउट करना था, नंबर्स की सीरीज काउंटिंग बाय जो गिवन नंबर था उसको ऐड कर करके, क्लियर। उसके बाद आपने पैटर्न को कंप्लीट किया था, दिए हुए नंबर्स को चेक करके उसी के पैटर्न को आपने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंपैरिजन। व्हाट इज कंपैरिजन? कंपैरिजन इज तुलना करना। हम नंबर्स की कंपैरिजन को कैसे करते हैं? जब भी हमें दो नंबर गिवन होते हैं हम सबसे पहले देखते हैं कि किस नंबर में ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगे वो नंबर अपने आप बड़ा हो जाएगा। अगर दोनों ही नंबर में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं तो हम लेफ्ट मोस्ट सबसे बड़े प्लेस वैल्यू के डिजिट से चेक करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो डिजिट बड़ा होता है वो नंबर ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हम और किस नेम से जानते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर। हम नंबर्स को छोटे से बड़े में अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर को लिखते हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े और सबसे लास्ट में सबसे बड़े नंबर को। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले आप सबसे बड़े नंबर को लिखते हो, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे और सबसे लास्ट में सबसे छोटे नंबर को, क्लियर। सो असेंडिंग ऑर्डर को हम क्या किस नेम से जानते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर। एंड द लास्ट इज राइट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। जो भी डिजिट्स आपको गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उन्हें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना होगा। तो आप कैसे करेंगे? जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है तो हम दिए हुए डिजिट्स को उनके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सपोज द डिजिट इज 3, 6, 1, 9, क्लियर। अब हम इन डिजिट्स का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर लिखना चाहें तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा डिजिट 1, देन 3, देन 6 एंड देन 9, क्लियर। ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। आप जब नंबर लिखेंगे तो डिजिट्स के बीच में कॉमा को पुट नहीं करेंगे। जब ये डिजिट गिवन रहेगा क्वेश्चन में तब कॉमा लगा रहेगा, बट आप नंबर लिखते टाइम इसमें कॉमा नहीं लगाएंगे, क्लियर। लार्जेस्ट नंबर हम कैसे लिखते हैं? दिए हुए डिजिट को हम कैसे अरेंज करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा, क्लियर। अगर जीरो गिवन होता है और आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है तो आप जीरो को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड प्लेस पे रखते हैं और जीरो से जो डिजिट बड़ा होता है वो पहले पोजीशन पे होता है, क्लियर। तो ये कुछ हमने टॉपिक्स को पढ़ा है इस चैप्टर में। आप इस टॉपिक से रिलेटेड सम्स को अपने बुक से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको थिंग्स टू रिमेंबर के जो पॉइंट्स गिवन है पेज नंबर 31 पे उन्हें लर्न करना है। फॉर योर वाइवा उसमें से कई शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो आपके चैप्टर की समरी होती है, तो आप सारे ही सब्जेक्ट में उसे प्रिपेयर करते हैं। और दिए हुए होमवर्क की वर्कशीट के सम्स आप अपने होमवर्क कॉपी में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।